क्या सर्दी हो रही है यार, मज़ेदार। मतलब मैं सिर्फ 300 किलोमीटर चलकर आया हूँ और 300 किलोमीटर के बाद क्या ठंडा हो गया है भाई, एकदम कपकपाहट छूट रही है। जैकेट पहननी पड़ेगी, लेकिन जो वाइब्स है ना, अल्टीमेट है भाई, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। विंटर की भी ना अपनी एक अलग ही बात है। अब ठीक है, एकदम से कपकपाहट छूटने लग गई थी यार। अपने पास सारे टूल्स होते हुए भी ना जुगाड़ करना ही पड़ जाता है। पैक्स को ठोकने के लिए मेरे को पत्थर का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स मैंने अंदर की तरफ छोड़ दिया है और उसको निकालने के लिए मेरे को पहले सामान निकालना पड़ता है। तो मैंने कहा जब सामने अपना जुगाड़ पड़ा है तो क्यों ना उसको यूज़ कर लिया जाए। तो अपनी ऑनिंग लग के तैयार हो गया है। पता है ऑनिंग खोलना तो बहुत ईजी है, फटाफट ऐसे अगर टेढ़ा मेढ़ा लगाना हो ना तो जल्दी काम हो जाएगा, लेकिन अगर आपको ऑर्गेनाइज करके कैंपिंग करनी है ना तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये बात आप अच्छे से जानते हो कि मुझे हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके काम करने में बहुत मज़ा आता है। तो हमने ऑनिंग तो खोल ली है, फटाफट से रूफ टॉप टेंट भी खोल लेते हैं, अपना बेसिक सोने का जुगाड़ रेडी कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को पहुँचते पहुँचते लेट हो गया है और थोड़ी देर में अभी अंधेरा भी हो जाएगा।
तो आज मैं यहाँ पे ना एक बड़ा टेंट और साथ में इंक्लूड करने वाला हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे दो दिन रुकूंगा, दो दिन इसी प्लेस पे ओवरलैंडिंग करने वाला हूँ, क्योंकि अपना डेटा काफ़ी सारा कलेक्ट हो गया, तो वो एडिट करना है और एडिट करने के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए। तो ऊपर बैठ के करना, नीचे बैठना, मतलब अच्छे से टाइम स्पेंड होगा, अपने पास इतना बड़ा ग्राउंड अवेलेबल है तो क्यों ना उसका यूज़ किया जाए। तो इसलिए मैं बड़ा टेंट भी लगा रहा हूँ ताकि आराम से सिटिंग वाली प्लेस भी मेरे को मिल सके। अंधेरा हो गया है, वो मैंने कैमरे के अंदर ISO बढ़ाया हुआ है, इसीलिए आपको पता नहीं लग रहा होगा। अब मुझे झाड़ियों के अंदर का नज़ारा बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है, तो इसीलिए मैं अपनी सेफ्टी स्टिक रेडी कर रहा हूँ कि इनकेस कोई इमरजेंसी हो तो मैं इसको यूज़ कर सकूँ। मस्त आवाज़ आ रही है। Thank you.
अपना 80% कैंपिंग का सेटअप लग के डन हो गया, बॉनफायर भी हो गया और चंदा मामा आसमान में आ गए और अब कोई भी नहीं है, बिल्कुल जंगल में हम लोग बैठे हैं अकेले। तो कैसी लग रही है कैंपिंग वाली वाइब्स? मज़ा आ रहा है? सिर्फ मैं, नेचर और ये बॉनफायर। कैंपिंग करने का मज़ा ही अलग है जब खासकर आप ऐसे अकेले और जंगल के बीच में हो और जानवरों की आवाज़ आ रही हो, रिवर की आवाज़ आ रही हो, हवा की आवाज़ आ रही हो और ये चांदनी रात हो, आसमान में तारे टिमटिमा रहे हो, क्या मज़ा आता है भाई, अलग ही लेवल की वाइब्स होती है। तो अभी फॉग पड़ना चालू हो गया, ऊपर से ओस गिर रही है, वो तो मैं बॉनफायर के आगे बैठा हुआ हूँ तो हाथ सुन्नी हो रहे, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा इधर उधर मूव हो रहा हूँ ना तो हाथ में अच्छी खासी ठंड महसूस हो रही है। रात में लग रहा है ठीक ठाक सर्दी होगी अपनी। तो आज का सेटअप आपको पसंद आया होगा। अभी तो मैंने आपको इंटरनली वाला सेटअप दिखाया नहीं है कि मैंने किस तरीके से सेटिंग की है। मैं एक्चुअली हर बार नई तरीके की कैंपिंग इसलिए करता हूँ कि मैं खुद बोर ना हूँ सेम ही चीज़ करते करते, तो हर बार मैं कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ कैंपिंग में, क्योंकि ये मेरा पैशन है। अगर मैं इसको एज अ काम के तौर पे लेके चलूँ, मुझे पता है बेसिक चीज़ करने से भी उतने व्यूज़ आने और जितना मैं काम कर रहा हूँ उससे भी इतने व्यूज़ आने, बिजनेस के तौर पे काम करना होता है इसके अंदर तो मैं इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करता, छोटा सा सेटअप लेके कैंपिंग करता रहता और व्यूज़ लेता रहता आप लोगों से। लेकिन जब आपका पैशन आपका काम बन जाए ना, वो कहीं ना कहीं आपका माइंड डिस्टर्ब करने लग जाता है, फिर आपका ना मन नहीं करता ये चीज़ें करने का। मैं इसीलिए जब भी कैंपिंग करता हूँ रिलैक्स होके, कोई भागा दौड़ी नहीं है, आराम से चिल मारता हूँ। मज़ा ही आ गया भाई, ऐसे सर्द भरे मौसम में बॉनफायर जल रहा हो और आप गरम गरम चाय पी रहे हो, आसपास कोई भी ना हो, आप अकेले हो, शांति हो, फील करके देखो एक बार, अपने आप को ना मेरी जगह रखकर एक बार देखो आंखें बंद करके।
कैसा फील आएगा आपको, गूज बम्स आ जाएंगे, लिख के कह रहा हूँ आपको। एक बार फील करके देखो, चारों तरफ गुप्त अंधेरा, जंगल, हवा की आवाज़ आ रही है, रिवर की आवाज़ आ रही है, छोटे छोटे जानवरों की आवाज़ आ रही है, और आप अकेले हो और अपना बॉन फायर के साथ चाय पी रहे हो। अरे सो गाइस, डिनर का टाइम हो गया है, तो अपन बना रहे हैं आज थाई चिकन फ्राई, रोस्ट करेंगे बढ़िया से और ज़िंदगी के मज़े लेंगे। तो मैं चिकन का लेग पीस और थाई लेके आया था, तो उसमें कट लगा रहा हूँ अभी, तो और इसमें ज़्यादा मैं मसाले वगैरह यूज़ नहीं करने वाला, बिल्कुल रॉ रखूँगा, सिंपल नमक मिर्च। तो जो ये वाली ड्रॉर मैंने बनाई थी, इसका ये ऊपर का प्लाईबोर्ड बहुत अच्छे से चॉपिंग, मिक्सिंग, हर एक चीज़ के काम आ रहा है। कभी कभी कुछ चीज़ें ना ऐसी अनएक्सपेक्टेड बन जाती हैं जो हमें बहुत हेल्प करती है हमारे काम के अंदर। तो हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट लग गया है, सिंपल नमक मिर्च ऐड करते हैं, नमक, चिकन मसाला जो फ्लेवर देगा हमारा। हाथ से मैं अच्छे से रब कर देता हूँ ताकि अंदर अंदर तक चला जाए। बाकी हमारी बॉनफायर मस्त जल रही है और पूरा पीछे की तरफ जंगल है, ऊंचा पहाड़ है, इधर पीछे की तरफ जंगल है, चारों तरफ का नज़ारा फुल अंधेरा ही अंधेरा। ये मेरी एक लाइट जल रही है बस, मैं चार लेके आया था, मेरी सारी बैटरी डेड हो गई है, क्योंकि तीन चार दिन से हम लोग कंटिन्यू कैंपिंग कर रहे हैं, चार्ज करने का मौका नहीं मिल रहा, तो एक लाइट जैसे तैसे बैटरी बची हुई थी ये यूज़ हो रही है, और हमारी ऑलमोस्ट सारी बैटरी डेड हो चुकी है। जो हमने एक एक्स्ट्रा बैटरी लगाई हुई थी, आज धूप नहीं निकली उसकी वजह से वो भी तरीके से चार्ज नहीं हो पा रही है। बस कल धूप निकल जाए तो हमारा यहाँ रुकने का जो पर्पस है ना वो अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, हमारी सारी बैटरीज चार्ज हो जाएंगी, हमारी सारी वीडियो भी एडिट्स हो जाएंगी। अगर धूप नहीं निकली तो मुझे ये सेटअप कल पैक करके किसी होटल में शिफ्ट होना पड़ेगा ताकि हम लोग अपनी सारी बैटरीज चार्ज कर पाए और उसके आगे कैंपिंग कर पाए। जब चीज़ें चार्ज ही नहीं होंगी तो मैं कैसे कैंपिंग करूँगा। तो काम करते हैं, अपना डिस्कार्डा ऑन करते हैं और फटाफट फ्राई करके खाते हैं, भूख लग रही है बड़ी ज़ोर की।
बॉनफायर का काम करने से ना हाथ काले हो ही जाते हैं लकड़ी छूने से, और पानी एकदम बर्फ जैसा हो रखा है कि बार बार हाथ धोने का मन भी नहीं कर रहा। मैंने टॉर्च कहाँ रखी, मैं टॉर्च रख के हमेशा भूल जाता हूँ, जो मेरी बहुत बड़ी गलती है। किधर रखी थी भाई? ये रखी टॉर्च, मैं हमेशा अपने साथ में रखता हूँ, रख के भूल जाता हूँ। और पता है जब कैंपिंग कर रहे होते हैं ना, तो चारों तरफ, जब आप खासकर ऐसे अकेले हो जंगल के अंदर और लेट हो गया हो, तो आपको चारों तरफ नज़र भी मारते रहना चाहिए, क्योंकि अभी मैं चिकन भी कुक कर रहा हूँ और अकेला भी हो जंगल के बीच में। अब मुझे ही नहीं पता ना, आसपास कुछ भी, कोई भी जानवर हो सकता है, क्या पता मेरा ही शिकार हो रहा हो, बहुत देर से ताक में बैठा हो, कुछ भी हो। तो इसीलिए नज़र मारते रहो, यही होता है सोलो में जंगल के अंदर कैंपिंग करने का मज़ा। दिल धड़कता रहता है, और दिल धड़कना चाहिए, क्योंकि दिल अगर धड़कना बंद करेगा तो बस हो गया काम। एक्चुअली कुछ दिनों से ना मेरे पास कुछ कमेंट्स आ रहे थे, कुछ अपने यूट्यूब वाले भाई लोग भी हैं, तो वो हमेशा यही बोलते हैं कि आप कैंपिंग करने के बाद रात को होटल में शिफ्ट हो जाते हो। अब यार थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इतना बड़ा मैंने सेटअप किया हुआ है, अब मैं इसे छोड़ के किसी होटल में तो जाऊँगा नहीं, और गाड़ी में जो चीज़ें इंस्टॉल है पैक तो करूँगा नहीं, और फिर सुबह के सेम सिचुएशन पे, सेम स्पॉट पे, सेम तरीके से मैं सेटअप कैसे करूँगा। मतलब यार इंसान हूँ मैं भी, थक जाता हूँ, इतना बड़ा सेटअप पैक करना, लगाना, फिर खोलना, फिर लगाना, कैसे पॉसिबल है? वो तो जो कैंपिंग करते हैं वो खुद ही समझ रहे होंगे इस चीज़ को। ये कैंपिंग जस्ट फॉर कंटेंट नहीं है, जस्ट फॉर कंटेंट होती तो इतनी मेहनत नहीं करता मैं, इतने महंगे इक्विपमेंट शूट करने के लिए नहीं ख़रीदता मैं, सिंपल सोबर अपना एक आईफोन से भी काम हो जाता। और पहली बात तो मैं इस तरीके से अकेले नहीं आता, मैं अपने साथ में ना 3-4 लोगों को लेके चलता हमेशा, अगर मेरे को जस्ट फॉर कंटेंट कैंपिंग करनी होती। भाई मेरा पैशन है कैंपिंग करना, मतलब मैं यूट्यूब से पहले भी कैंपिंग कर रहा था, ऐसा नहीं कि यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया तो तभी मैंने कैंपिंग किया, मैं उससे पहले भी कैंपिंग करता था। बस ये है कि जब यूट्यूब स्टार्ट किया तो आप सब लोगों ने कैंपिंग को इतना प्यार दिया कि अब ये हमारा कॉन्टेंट भी बनी गया है। फाइनली डिनर कुक हो गया और हम लोग अंदर आ गए, और हमारी जो लास्ट लाइट थी वो भी डेड हो गई। मतलब जैसे मैंने अपना डिनर वहाँ से पिक करके अंदर लाया और बंद हो गया, लेकिन टेंट के अंदर आते ना अभी ठंडा लग रहा है, नीचे से बिल्कुल ठंडा ठंडा लग रहा है, पैर सुन हो रहा है, तो मैंने हीटर अभी ऑन कर लिया है। बाकी अभी भूख लग रही है बड़ी ज़ोर की, पहले नींबू डालते हैं इसके ऊपर और अपना आज का डिनर इन्जॉय करते हैं। यस, अरे यार फोक भूल गया मैं, अच्छे से कुक हो गया है, यूं ही छूट रहा है। नाइस, तो आप देख सकते हो बिल्कुल बढ़िया कुक हुआ है। तो साथ में मैंने थोड़ी सी प्याज काट ली थी और हो गया नींबू। हीटर होने का बहुत फ़ायदा हो रहा है यार, मज़ा आ रहा है बैठने में। तो थोड़ा सा नींबू और डालता हूँ, कम लग रहा है। तो ये पूरा थाई और लेग है, ये देखो बहुत आराम से छूट रहा है। नाइस, खाना पीना खा पी के मैं आ गया हूँ टेंट के अंदर। तो अभी रात के 9:47 हो रहे हैं, तो सही समय पे, मतलब 10 बजे ठीक है कि आपने 10 बजे खाना खा लिया और आप अपना लेटने के लिए बेड में चले गए, तो सही समय पे मैं अपना रूफटॉप टेंट के अंदर आ गया हूँ। अभी देखता हूँ मेरा लैपटॉप ऑन होता ही नहीं होता, कोई पावर बैंक अगर इतना बचा हो तो मैं उसे थोड़ा सा चार्ज करके थोड़ी सी एडिटिंग कर लूँगा, नहीं तो कल सुबह अब धूप निकलने का वेट करना पड़ेगा, तभी अपना काम बनेगा। और कल अगर धूप नहीं निकली तो फिर
कोई ना कोई होटल ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं सारे इक्विपमेंट, सारी बैटरीज और हर एक चीज़ को चार्ज कर सकूँ और फिर नेक्स्ट 3 दिन के लिए फ्री हो सकूँ। तो अब कल के ऊपर डिपेंड करता है कि कल क्या करेंगे। जो भी करेंगे वो आपको इससे अगले व्लॉग में बताऊंगा कि धूप निकली नहीं निकली, हम लोग चार्ज कैसे कर पाएंगे, होटल जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये सारी डिटेल आपको अगले व्लॉग में शेयर करूंगा। तो उम्मीद करता हूं आज की कैंपिंग आपको पसंद आई होगी। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में सस्पेंस के साथ। टिल देन गुड बाय। It was always on fire.